Very good afternoon. First of all, media fraternity और अरुणाचल के जनता से आज मैं यहाँ प्रेस वार्तालाप में आया हूँ। मेरा ये आने का कारण ये है, पिछले दिनों से जो PhD डिपार्टमेंट में जो इलीगल अपॉइंटमेंट को लेके आज हम लोग यहाँ फिर आया है। मैं 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आज आया है, आप सब का सामने, जनता का सामने में आया हूँ कि इन हमारा इलेक्शन के द्वारा ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम ये सबका नॉलेज में हमारा BJP पार्टी ऑफिशियल कैंडिडेट तावा तदर का अगेंस्ट में जो ये षड्यंत्र रचाया गया है, जो NCP का कैंडिडेट है वो 1000 नौकरी दे रहा था पब्लिक को एक्चुअली कंस्टिट्यूएंसी में, तो हमने सिर्फ सुना है। तो देखते देखते हम लोग वोटिंग खत्म होने का बाद देखा है, तो आप सब मीडिया सब ने देख जानता है कि यहाँ 20 नंबर्स WC रेगुलर अपॉइंट किया गया है और 16th नोस जो है कैजुअल लेबर अपॉइंट किया गया है। ये सिर्फ कम नंबर है, लगता है जब 1000 बोला है तो लगभग अभी भी 100-200 है। क्यों? ये रिवील करता है कि हमने थ्रो PhD का लेबर यूनियन का थ्रो से हमको ये सोर्स पेपर अवेलेबल देखा है। इसके बाद हमने भी जानने का कोशिश किया है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है ACMEO का है, तो मैंने भी ACMEO में जाके RTI दायर किया और उसमें मुझे RTI करके आया हूँ। मैं यहाँ 8 पॉइंट दिया, एक भी उल्लू का रिकॉर्ड नहीं है AC ऑफिस MEO सर्कल में जहाँ से ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ। तो और एक चीज मैं आप सबको और बताना चाहता हूँ, इन लोग ने एक कैजुअल लेबर को एक कंकरेंस लिया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंकरेंस लिया है, तो बिना कंकरेंस से तो सैलरी तो मिलेगा नहीं, तो हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट में कंकरेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमने RTI डाला, तो वहाँ पे RTI डाला है तो हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिप्लाई किया है कि ऐसा कोई यहाँ आपका जो रिलेटेड वाला जो ये RTI में लिखा है कि ऐसे जो रिलेटेड वाला इसका कंकरेंस सेंशन ऑर्डर नंबर 11052/72/2003 में ऐसा लेबर का या WC का कैजुअल लेबर का कोई भी कंकरेंस दिया नहीं है फाइनेंस से, बल्कि ये कोई स्कीम का है, ये कोई स्कीम का नंबर को इन लोग लेके कंकरेंस दिखाया है। तो दैट मींस क्या है, इन्हें टेम्परिंग किया, गवर्नमेंट को चीटिंग किया, जो ऑफिसर्स है इतना वो हमारा गवर्नमेंट से तो और कोई नहीं है, इन लोग तो चीटिंग किया। और ये नंबर RTI में हम लोग जो RTI में वो नंबर नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं है, दूसरा नंबर है, कि ये प्रूफ करता है कि ये इलेक्शन का द्वारा कोई दिखाई देता है कि मार्च में हुआ, कोई फेब्रुअरी में अपॉइंटमेंट हुआ, अलग अलग हुआ, तो हम लोग का डाउट जो है आज बोथ फॉर जॉब और जॉब फॉर बोथ 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूएंसी में जो आज किया है वो प्रूफ हो गया। प्रूफ कहाँ हुआ मैं और बताना चाहूँगा जनता लोग को, आपका माध्यम से, मीडिया का माध्यम से, यहाँ जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने इनको सबको कैंसिल किया गया है, कैंसिल गवर्नमेंट हैज कैंसिल बाय गवर्नमेंट वाइड नंबर PhD CM/establishment 175/2015/2016 volume number 1 dash part dated 15 May में थ्रो सेक्रेटरी
सेक्रेटरी पीएचई डिपार्टमेंट से ऑर्डर दिया है कि कंसर्न एसी को कैंसिल किया जाए. अकॉर्डिंगली ये ऑर्डर यहाँ कैंसिलेशन ऑर्डर आया है. इट इज प्रूफ कि ये ने हमारा चीफ इंजीनियर जो पीएचई का वेस्टर्न जोन का जो एसी कोऑर्डिनेटर का साथ में रह के हमारा 16 तिरचुली जितना भी जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो हमारा 16 तिरचुली में ही हुआ है और उसमें मैनिपुलेट हुआ है ड्यूरिंग इलेक्शन. आपको मैं नौकरी दे रहा हूँ, मुझे वोट दीजिए, ये पक्का कंफर्म हुआ है इस कैंसिलेशन से. उसके अलावा और मैं बताना चाहूँगा, अरुणाचल में हमने सुना है यहाँ में चीफ इंजीनियर ईस्टर्न जोन है, सेंट्रल जोन है, वेस्टर्न जोन है. ये चीफ इंजीनियर जो है, हम आप सबको बताना चाहूँगा, इट इज़ वेरी सरप्राइज कि वो एसी में था तब भी कोऑर्डिनेटर को नहीं छोड़ा है, एसी कोऑर्डिनेशन को. अभी भी चीफ में इतना साल है, वो भी एसी चीफ कोऑर्डिनेशन को नहीं छोड़ा है. क्योंकि कोऑर्डिनेशन में आप सब जानता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग सी डी ग्रेड का, जेई का, यूडीसी, एलडीसी, एमटीएस का अपॉइंटमेंट ट्रांसफर थ्रो कोऑर्डिनेशन से ही होता है. तो ऐसे होके हमने सुना है 2009 से आज तक वो एसी पोस्ट छोड़ा नहीं है. और वो 2007 से जब भी इलेक्शन आता है इलेक्शन समय में ही नौकरी देता है, जब इलेक्शन नहीं होता तो नौकरी नहीं देता है. तो आज तक वो एसी कोऑर्डिनेशन को एसी से लेके चिप में है, फिर भी एसी कोऑर्डिनेशन को आज तक वो छोड़ा नहीं है. तो हम ये चीज़ को देख के यही बोलना चाहते हैं, क्या वो एक ही आदमी है क्या अरुणाचल डिपार्टमेंट चलाता है क्या, और कोई चीफ इंजीनियर नहीं है और कोई एसी नहीं है एसी कोऑर्डिनेशन को रखने के लिए? 7 एसी है, इसमें कोई क्या कोई कैपेसिटी वाला नहीं है क्या अरुणाचल एसी कोऑर्डिनेशन को चलाने के लिए? तो ये आदमी 2007 से लेके आज तक जब भी इलेक्शन होता है वो हर समय में कुरुंग में बोलो, करादादी बोलो, हमारा 16 तिरचुली में तो 2009 में भी हुआ और 2014 में भी हुआ, इलेक्शन समय में नौकरी देता है. यही ऑफिसर है जो अभी इनकम्बेंट चीफ इंजीनियर कम एसी कोऑर्डिनेशन ईयर इंजीनियर तको ज्योति. तो यही है. तो हम लोग डाउटफुल है और प्रूफ हो गया, डाउटफुल नहीं है, प्रूफ हो गया. ये हमारा 16 तिरचुली कंस्टिट्यूंसी में जो हमारा बीजेपी पार्टी का जो रूलिंग गवर्नमेंट का ऑफिशियल कैंडिडेट को वो वोट फॉर जॉब में वो मैनिपुलेट किया है. और आप सबका सामने में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज हम एक येचुली का कंस्टिट्यूंसी में एक सब बोलता है इंटेलेक्चुअल हब है, एजुकेशन बोलो, नौकरी में बोलो, सोसाइटी का अरुणाचल में एक निशी समाज में, हमारा निशी समाज में ये इंटेलेक्चुअल एक हब बोलते हैं हमारा 16 तिरचुली कंस्टिट्यूंसी को. उसी हिसाब से तबा तदर का कार्यकाल में 5 साल में 2-2 सर्कल हेडक्वार्टर बना दिया, कई पंजर डिस्ट्रिक्ट को खोलने में बहुत योगदान किया. आज इतना कष्ट करके डेवलपमेंट करने का बाद ऐसे इलेक्शन में नया नया डिस्ट्रिक्ट में इतना खराब बदनाम, वो भी इलीगल अपॉइंटमेंट में. तो इसलिए मैं हमारा जितना भी इंटेलेक्चुअल है स्पेशली 16 तिरचुली कंस्टिट्यूंसी अरुणाचल एज ए होल, आप इनको हम लोग को पॉलिटिकल लाइन में मत देखिए, इसको आप भी जानना बहुत जरूरी है 16 तिरचुली कंस्टिट्यूंसी का आदमी लोग. क्यों हम एक आदमी के लिए हम लोग क्यों 16 तिरचुली कंस्टिट्यूंसी कई पांजर डिस्ट्रिक्ट जो बदनाम हो? तो आज हम लोग तो वो इतना नहीं, इतना ही बोल के आज हम लोग ने एसआईसी एसपी साहब को मिलके आया है एंड वी हैव सबमिटेड ए रिप्रेजेंटेशन टू द एसपी एसआईसी. हमारा रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट जो है तुरंत हम लोग को देखने मिला, एक्शन लिया है, एक्शन लेके रेस्पॉन्स करके एक्शन लेके कैंसिलेशन कर दिया है आपका डब्ल्यूसी रेगुलर वाला का.
उसका बाद एसआईसी को केस को गवर्नमेंट ने रजिस्टर कर दिया, अभी केस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो हमारा मांग जो रिक्वेस्ट जो ये है एसपी साहब को मिलने के लिए गया था कि ये इन्वेस्टिगेशन को आप जल्दी से जल्द जर को पकड़ना है कि वहाँ पे दो तीन आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आपका एसडी करके मतलब अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जो है चीफ इंजीनियर है, कोई एसी साइन करके दिया, कोई एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर साइन करके दिया। तो हमारा मांग ये है कि इनको टॉप से लेके बॉटम तक जांच करे, इन्वेस्टिगेशन करे, क्लियर आप पब्लिक डोमेन में निकलिए, जो भी इन्वॉल्वमेंट ऑफिसर्स है इनको पनिशमेंट दीजिए एज पर लॉ में। ये प्योरली अरुणाचल को एक बर्बाद का दिशा में ले जा रहा है, बल्कि ये सिर्फ 16 एक्चुअली कंस्टिट्यूएंसी कई पांच डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये और अरुणाचल को ले जा रहा है। तो इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो ये अपेक्षा लेके हमने आज एसआईसी से मिलके आया। और हम विश्वास है अनंत मित्तल इज अ यंग ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ही गेव अस एश्योरेंस कि थ्रो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा बोल के इन्हें हमको आश्वासन दिया। और आज भी मीडिया में थ्रो मीडिया का थ्रो से मैं एसपी साहब को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। उसके साथ जो इस इशू में लास्ट टाइम से हम लोग देख रहा है, जैसे कि ये इस इशू में बहुत लोग जोड़ा हुआ है, जैसे कि ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट वर्कर यूनियन, उसका बाद वांगचो कौंसिल, उसका बाद लोंगडिंग स्टूडेंट यूनियन, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, हमारा 16th एक्चुअली मंडल का बीजेपी टीम, बहुत लोग ने इनको रिप्रेजेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन के लिए सब रिप्रेजेंटेशन दिया। और वो देने वाला सबको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपका जो रिक्वेस्ट किया स्टेट गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, और मैं स्टेट गवर्नमेंट को पेमा खांडू सर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि और इन्वेस्टिगेशन को स्पीड अप में किया जाए। लास्टली हम ये कहना चाहूँगा कि अरुणाचल ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है, हम लोग जीरो टॉलरेंस फ्री करप्शन गवर्नमेंट है। हम 7 साल में अरुणाचल में आप सब जानते हैं जो विकास अरुणाचल में जो विकास स्पेशली रोड नेटवर्क, एयर कनेक्टिविटी, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में जो हमारा पेमा खांडू आगे ले जा रहा है, उस चीज को देखते हुए मैं अरुणाचल का सब जनता लोग से, सब एनजीओ से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, सोसाइटी लोग से मैं ये अपील करना चाहूँगा, जितना सिविल सोसाइटीज है मैं सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वाला करप्ट प्रैक्टिस को हम सब मिलके फाइट करें, करप्शन को हटाए, जो जीनियन एजुकेटेड यूथ लोग को, पढ़ाई लिखाई लोग को, सही आदमी को, जीनियन आदमी को ये पोस्ट को एसएसबी में देने दीजिए, तो एसएसबी से जो जूनियन है नौकरी को मिलने दीजिए। इसलिए ये इशू को हम सब मिलके 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूएंसी सिर्फ नहीं, कई पांच डिस्ट्रिक्ट सिर्फ नहीं, हम लोग ऑल अरुणाचल, हम लोग ऐसे करप्ट वाला ऑफिसर को, करप्ट वाला डिपार्टमेंट को हम लोग लगना है। एक करप्ट ऑफिसर है एक डिपार्टमेंट को, सारे डिपार्टमेंट को खराब करता है। अभी हमको एक वो ऑफिसर खराब है, उन ऑफिसर को हमको ठीक करना हम लोग का दायित्व है एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हम लोग ये करप्शन को हम सब मिलके लड़ेंगे और अरुणाचल को प्री करप्ट स्टेट बनाने में हम लोग सहयोग करेंगे। लास्टली हम लोग एज ए वर्कर तवा तदर का जो बीजेपी ऑफिशियल कैंडिडेट का हिसाब से हम लोग ये निर्णय लिया है कि हम लोग कुछ दिनों के बाद हमारा कंस्टिट्यूएंसी में हम उस इसका जो करप्ट बहुत पोर
जॉब स्कीम का को लेके हम अपना कंस्टिट्यूएंसी में एक दो दिन अंदर में हम रैले करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। कल हमारा कंस्टिट्यूएंसी में हुआ, परसों फिर कंस्टिट्यूएंसी दूसरा में होगा, ये अरुणाचल पूरा खराब भी होगा, पूरा करप्शन में भरा रहेगा। और हमारा यंग टैलेंटेड एजुकेटेड यूथ लोग को ये नौकरी का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए सभी को मेरा तरफ से धन्यवाद। और मेरा साथ में आया है मेरा एडवोकेट साहब, आप तो कुछ एक दो शब्द ऐड कर दीजिएगा। नहीं, इसमें आपको सोचता होगा हम लोग कौन ऑर्गेनाइजेशन है, हू यू आर, वो एक सवाल भी आपको पूछ रहा होगा हम लोग का ऊपर में ना। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग एक्चुअली कंस्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ, देन दिस इशू इज रिलेटेड टू एक्चुअली एंड दिस इशू इज रिलेटेड टू दिस ऑनगोइंग इलेक्शन प्रोसेस। तो बात ऐसा है कि मैक्सिमम ऑफ द अपॉइंटीज जो ना एक्चुअली से बिलोंग करता है, नंबर वन। नंबर टू जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी एसी मियो जोरम बादल जो एक्चुअली से बिलोंग करता है। जोरम बादल जो केजुल को ट्रांसफर ऑर्डर किया कि अपॉइंटमेंट दिया है, देन अनदर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑर्डर इज दिया, वो जो WC 20 नंबर ऑफ WC, उसको ये दिखाया है कि अपॉइंटमेंट नहीं दिखाया, वो जो ये दिखाया कि दिस इज ए ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग, नया आदमी है उसको ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग कैसे देगा, आगे तो अपॉइंटमेंट होना चाहिए ना। तो ये अपॉइंटमेंट को अभी तक शो नहीं किया, उन्हें ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग को ही शो कर रहा है। तो ये वाला चीज हम जो लगता है द इनकम्बेंट अथॉरिटी द अपॉइंटिंग अथॉरिटी द ट्रांसफरिंग अथॉरिटी हैज कैमोफ्लेज इट, कैमोफ्लेज इन द सेंस कि ये चीज को छुपाने का कोशिश किया है। दीज आर ऑल स्टाफ्स वी हैव ओनली ट्रांसफर्ड, बट ग्राउंड में ऐसा नहीं है, दे आर न्यू स्टाफ, दे हैव एन अपॉइंटेड बैकडोर एंड शोन एज ए ट्रांसफरिंग पोस्टिंग ऑर्डर, ये हुआ। तो ऐसा हो के ये आदमी लोग मैक्सिमम एक्चुअली से है, तो इट वॉज अपॉइंटेड इन एंड अराउंड इलेक्शन टाइम। तो हम लोग आके फाइल किया है केजुअल लेबर को नियो वाला अपॉइंटमेंट दिया है, बोले जोरम बादल एसी मियो जो ना वो अपॉइंटमेंट दिया है बोला है। तो वहाँ में हम लोग आते आई फाइल किया है, तो देर इज नो रिकॉर्ड, इशू डिस्पेच का भी रिकॉर्ड नहीं है। एक आदमी को ट्रांसफर करना है, अपॉइंटमेंट को चोरी दो, ट्रांसफर करना भी तो आप फाइल तो होना पड़ेगा ना, यू शुड हैव अ फाइल ऑन द बेसिस ऑफ दैट फाइल आप ट्रांसफर भी करेगा, पोस्टिंग भी करेगा, करना चाहिए। अब अपॉइंटमेंट दिया है उसमें रिकॉर्ड नहीं, तो वो लोग बोला है 25 मार्च को अपॉइंटमेंट दिया है, इस लाइक का बोल रहा है, ये फेबरी 25 को अपॉइंटमेंट दिया बोल के इस लाइक का बोल रहा है, लेकिन जहाँ में वहाँ में रिकॉर्ड नहीं है, तो वी एज्यूम इट दे हैव बीन अपॉइंटेड ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। इलेक्शन में ये लोग को नौकरी दे के वोट लेने के लिए, जॉब फॉर वोट और वोट फॉर जॉब इज द सेम थिंग, वो काम किया, तो इट हैज ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ सेक्शन एक्चुअली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, सो वी आर कंसर्न ऑन ऑल दिस इलीगलिटीज। तो ये है, बाकी चीज को ये बोला है, तो हम लोग ये बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को भी पब्लिक को भी आप लोग चीज को क्लियरली समझना चाहिए, सो फार सो अरेस्ट नहीं किया है, एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट 1 month नाउ ये चीज़ हल्ला कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, केस रजिस्टर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, मियो में रेड हुआ है, हाँ, लेकिन यहाँ हमारे चीफ ऑफिस में अभी तक रेड नहीं हुआ है, नियरेस्ट ऑफिस जो है ना यहाँ में अभी तक रेड नहीं हुआ है। हम लोग सोचते हैं वो भी रेड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट ढूंढना चाहिए, यहाँ से WC को ट्रांसफर पोस्टिंग दिया है, तो हम लोग आरती मंगाए तो बोलता है कि यू गो टू
योर एसईओ ऑफिस, डिवीजन ऑफिस, डिवीजन, आप वहाँ क्यों जाएगा? आप तो पोस्टिंग देने वाला है ना, आप किस फाइल से बेस करके, किस रिकॉर्ड को बेस करके सर पोस्टिंग देना चाहते हो? वो आते को तो आप रिप्लाई दे सकता था, वो भी नहीं दिया है। अगेन चीज़ को मैंने ये क्या बोलते हैं, वो लोग डिले कर रहा है, डिले कर रहा है, मैंने चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट देने में। ऐसा भी होगा कि साइड लोग के पास में रिकॉर्ड नहीं होता होगा, लाइक मियो जैसा भी हो सकता है, उसको अभी तक कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। तो ये बात देखिए, आज हम लोग आए कि अनदर थिंग है कि इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को हम लोग कुछ डाउट नहीं है, दे आर डूइंग एंड दे विल डू। तो ये है कि गवर्नमेंट जो अभी जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है उसका अपॉइंटमेंट को कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो इट हैज बीन प्रूव्ड, प्रूव हो गया कि ये इलीगल अपॉइंटमेंट है। और ये इलीगल अपॉइंटमेंट देने वाला कौन था उसको तो अच्छे से मालूम है, तो अभी तक कस्टोडियल इंटीग्रेशन नहीं किया है। वो लोग करेगा बोला, लेकिन अभी तक तो मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए था, करेगा होगा, बट आई फील इट इज लिटिल विद डिलेइंग ना, थोड़ा लेट थोड़ा बोलता हम लोग लग रहा है। तो अभी आदमी कौन था, अपॉइंटमेंट था, कौन ट्रांसफर पोस्टिंग किया, वो पूरा मालूम हो गया। कैंसिल कर देना दिया मतलब सेक्रेटरी कंसर्न डिपार्टमेंट जो कैंसिल कराया है, तो अभी तक तो मेरा हिसाब से अपॉइंटिंग अथॉरिटी देन अपॉइंटेड लोग को मेरा हिसाब से अभी तक तो कस्टडी में लेके पूछताछ करना चाहता, क्या मोटिव था, मोटिव ऑफ अपॉइंटमेंट क्या के लिए हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, हाँ तो सबको अभी तक करना चाहता। तो आई फील मैंने थोड़ा लेट हो रहा है बोल के ना, तो इसलिए प्रो फ्रेश मीडिया हम लोग भी अपील करना चाहता है इन्वेस्टिंग अथॉरिटी को, इतना भी डिले नहीं करने से अच्छा है। ये क्या बोलते हैं, ऐसा ऐसा हो के केस हम लोग का अरुणाचल में ऐसे ही हो जाता है, केस प्रेस ब्रीफिंग करेगा, केस करेगा, दिन चला जाएगा, प्रॉपर आउटकम नहीं होता है। सो पीपल आर इनकरेज ऑन डेट, ऐसा वाला डिलेइंग टेक्टिक्स को, केस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नतीजे नहीं निकलने के कारण से हम लोग का आदमी इनकरेज फील कर रहा है, आज आज बात करेगा, कल बात करेगा, इसका बाद आफ्टर वन मंथ, टू मंथ, सिक्स मंथ, वन ईयर, हम लोग आदमी का मेमोरी भी शॉर्ट होता है ना। ऐसा ओके मैंने हम लोग का यहाँ अरुणाचल में केस जो बहुत लूज हो रहा है, दैट मीन्स वी आर इनकरेजिंग इलीगलिटीज, खराब चीज़ को हम लोग इनकरेज कर रहा है जैसे ही हो रहा है ना। तो ये कहते हुए हम लोग ये बोलना चाहता है कि रिक्वेस्ट करना चाहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ अरुणाचल को, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को, एनजीओस लोग को, ये सब को हम लोग इनकरेज नहीं करके ये वाला चीज़ को भी ना, आज एक्चुअली में हुआ है, कल ऑल अरुणाचल में होगा, ये ऑल अरुणाचल में एक्चुअली में सिर्फ नहीं हुआ है, कुछ कुछ दूसरा जगह से भी अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये वाला चीज़ को अच्छा से इन्वेस्टिगेट कराने से अच्छा है, ये हम लोग आप लोग को बताने के लिए आया है। विद दिस व्यूअर्स, थैंक यू।